जनपद पंचायत के सामने उप सरपंच, पंच एवं पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों ने दिया धरना। पंचायत में हुए विकास कार्यों में 9 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप। खबर शाहपुर से। जनपद पंचायत शाहपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भेवाड़ी में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व सरपंच, उप सरपंच, पंच सहित ग्रामीणों ने आज ग्राम सभा का बहिष्कार करते हुए जनपद पंचायत के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, परंतु दोषियों पर कार्रवाई न करते हुए उन्हें बचाया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उप सरपंच ने कहा कि ग्राम में हो रहे निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मांगने पर टाला मटोली की जाती है। हमारे द्वारा जो ग्राम सभा में प्रस्ताव लिए जाते हैं उस पर अमल नहीं किया जाता है। पंचायत द्वारा सिलपट्टी पंचायत में पुलिया का निर्माण कर करीब 8 लाख रुपये का भुगतान भेवाड़ी पंचायत से किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। इसमें ठेकेदार और पंचायत सरपंच सचिव की मिलीभगत से भुगतान किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत में एलिग्रेशन का कार्य, स्मार्ट क्लास, खाद गोदाम, यात्री प्रतीक्षालय, सामुदायिक शौचालय, पुल पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण में सरपंच सचिव ने जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि जनपद पंचायत के सामने जब धरना दे रहे थे, तभी जिला पंचायत अध्यक्ष राजा प्रभावर के बहन को ग्रामीणों ने रोड पर खड़े होकर रोका व अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राजा पवार ने भी ग्रामीणों की समस्या सुनी और 2 दिन बाद बैतूल बुलाया गया। बता दें कि राजा पवार के साथ पूर्व विधायक मंगल सिंह भी मौजूद थे। आज हमारा धरना प्रदर्शन, क्योंकि आज ग्राम सभा ग्राम पंचायत में थी, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो ग्राम सभा में प्रस्ताव लिए जाते हैं उन पे सरपंच सचिव द्वारा अमल नहीं किया जाता और उसके अगेंस्ट काम किया जाता है। इसलिए हम सभी ग्रामीण आज मजबूर होकर के ग्राम सभा का बहिष्कार करके जनपद पंचायत शाहपुर में धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं। आप? मैं संदीप उपराले। किस पद पर? मैं उप सरपंच संदीप उपराले, भैयावाड़ी। क्या क्या मामले हैं आपकी पंचायत के, किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं? ग्राम पंचायत भैयावाड़ी में विगत 2.5 सालों से, चाहे वो सेग्रीगेशन सेट का निर्माण कार्य हो या फिर स्मार्ट क्लास या खाद गोदाम, यात्री प्रतीक्षालय, सामुदायिक शौचालय या पुल पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण, सभी कार्यों में इनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। और हितग्राही मूलक की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण एवं सोख्ता गड्ढा, अन्य जो भी विषय ग्रामीण से